हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से हमारी टीम के द्वारा जो CRPF हेड कांस्टेबल और ASI का कोर्स है वो हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ASI की तैयारी और हेड कांस्टेबल की तैयारी, फर्स्ट पेपर जो आपका प्रथम पेपर होता है उसकी तैयारी करनी है, जिसके अंदर आपका GK आएगा और दोस्तों आपके साथ रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से एक सब्जेक्ट आएंगे। कुल 50 नंबरों का पेपर होगा। कुल पेपर क्वेश्चन कितना आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। इनके लिए हमारी टीम के द्वारा एक कोर्स तैयार किया है पूरा का पूरा, जिसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको ये चीज़ आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो आज से हमारी जो PDF फाइल है, 1 नंबर PDF फाइल है, ये PDF फाइल आपसे शुरू होगी। PDF फाइल मिलेगी, उसके साथ साथ में 50 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट आप सभी को पता है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट मिलेंगे और डेली आपको PDF मिलेगी, करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी। और जो अलग अलग, जैसे आपकी जैसे GK का टेस्ट अलग हो गया, मैथ का टेस्ट अलग हो गया, रीजनिंग का टेस्ट अलग हो गया, हिंदी का टेस्ट अलग हो गया, इंग्लिश का टेस्ट अलग हो गया, तो ये तो हमारे जो 50 कोर्स 50 मॉडल टेस्ट है वो फुल लेंथ के पूरे 50 क्वेश्चंस होंगे। और इसके अंदर मिक्स होगा, क्या होगा, मिक्स होगा। ये चीज़ हम सबसे पहले कर रहे हैं, ये कोर्स हमने शुरू कर दिया है। तो अगर आपको कोर्स को लेना है दोस्तों, तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाना है। ये स्टूडेंट व्हाट्सएप नंबर है, इसमें केवल राजस्थान स्टेट और जो CRPF हैं, BSAF हैं, जो अर्ध सैनिक बल है, वह स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए और उसके अंदर अपना नाम लिखना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है और कोर्स का नाम जरूर लिखे दोस्तों। तो फर्स्ट पेपर का मैं आपको 100% इसकी क्या फीस है पूरी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, और इसके अंदर पूरे मॉडल पेपर टेस्ट और एग्ज़ाम तक आपका सपोर्ट करेंगे। पूरी जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तक हमारी टीम आपका सपोर्ट करेगी। तो ये हमारा GK का पहला वीडियो है, कोर्स नंबर 1 है। मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, हिंदी भी होगी, ये चीज़ें हम इसके अंदर करवाएंगे और कभी कभी मिक्स टेस्ट भी हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए। देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बर्ड ईगल बोगी पार्टी हॉल इन वन, ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सांबर झील जिस नमक बनता है, सांबर झील के अंदर क्या बनता है नमक, वो किस राज्य के अंदर है? दोस्तों राजस्थान के अंदर है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश का शासक चोगा या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यस, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया, राइट आंसर दोस्तों जयदेव, किसके द्वारा, जयदेव के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजूरों खजूरों के मिंदर किस वंश के शासकों ने बनवाए, खजूरो खजूरो है कहाँ है, MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, सबसे पहले दोस्तों हरियर और बुक्का ने 1336 के अंदर की है। अगला देखिए, घाना पक्षी विहार कहां पर है, देखिए घाना पक्षी विहार ये दोस्तों ये आपको देखिए जिले दे रखे हैं, ये सबसे पहले है कहां है, राजस्थान के अंदर दोस्तों, सबसे पहले ये कहां है राजस्थान, राजस्थान के अंदर कहां है, भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। भारत में जंगली, देखिए जंगली गधे कहां पाए जाते हैं, यस जंगली गधों के बारे में पूछा गया, इसका राइट आंसर है कच्छ कारण या गुजरात। मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवन कीर्ति है, यस हिटलर की, अडोल्फ हिटलर की, किसकी,
अडोपलर हिटले की है। दास कैपिटल्स या दास कैपिटल की रचना किसने की? द राइट आंसर कार्ल्स मार्क्स। अगला देखिए, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मिंदर को कब लूटा था? यस राइट आंसर इज 1025 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा अभ्यारण एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह का गैंडा, राइट आंसर काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम के अंदर, असम। इसका दूसरा ओसोम भी कहते हैं, ओसोम, ओसोम। यस देखिए, राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान के अंदर है, और ये भी कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, और ये कहाँ है? गुजरात के अंदर स्थित है। रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखी गई? यस बिल्कुल राइट आंसर, प्लेटो के द्वारा लिखी गई। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है? प्लेटो। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? दोस्तों दिल्ली की लूटपाट मची, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 के अंदर लूटा, 1398 के अंदर तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा है। देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल है? दोस्तों जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई उसमें हॉकी नहीं था, तो इसकी हॉकी की शुरुआत 1928 के अंदर एमस्टर्डम जो हॉलैंड में ओलंपिक आयोजन हो रहे थे उसके अंदर हॉकी को शामिल किया गया है। और दोस्तों हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसके अंदर कुल 11 प्लेयर्स होते हैं, कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया? सासाराम। सासाराम कहां है? बिहार के अंदर। सासाराम कहां है? बिहार के अंदर दफनाया गया। न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई? यस ऑप्शन नंबर 3 जेम्स चैडविक। क्या है? जेम्स चैडविक आपका राइट आंसर है। परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा गया दोस्तों। यस परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों इसका देखिए, परमाणु रिएक्टर में एक तो आपके जो भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल और भारी जल का प्रयोग होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यस ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर है। अगला पूछा है एनसीसी की स्थापना। यस एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। अगला देखेंगे दोस्तों, अहमद अली खान, अहमद अली खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। कौन सा? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यस दोस्तों इसका सबसे जो ऊंचा से गया जोगिया गरसोवा, ये दोनों एक ही नाम है, अलग अलग आपको चकराने के लिए दिया है। क्या है? जोग गर सोवा। ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटका के अंदर है। कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटक किस नदी पूछे आपसे? नदी का नाम पूछे सारावती। यस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? यस बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 385,000, 385,000 किलोमीटर आपका राइट आंसर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा? यस राइट आंसर वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में सोने की खान, यस भारत के अंदर सोने की खान मुख्य रूप से एक जगह है। दोस्तों भारत में सोना सबसे ज्यादा कर्नाटका के अंदर होता है, कर्नाटका के अंदर कोलार। क्या है? कोलार कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची पूछी, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची है ये आपसे पूछी गई है। दोस्तों अनुसूचियों की संख्या संविधान के अंदर 12 है। अगर आपसे पूछिए कि मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान के अंदर कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। यस राइट आंसर कितनी है? 12। और भाग पूछे आपको तो भाग की संख्या कितनी है? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है।
सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? यस दोस्तों, इसका राइट आंसर है लगभग आपके 500 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पन्ना, जो पन्ना मध्य प्रदेश की किस खान से प्रसिद्ध है। दोस्तों पन्ना के बारे में पूछा कि पन्ना जो मध्य प्रदेश के अंदर है किस खान के लिए प्रसिद्ध है, सोना चांदी एल्यूमिनियम। दोस्तों पन्ना है हीरे के लिए। अब आप कहेंगे सर पन्ना खुद एक है, लेकिन पन्ना एक क्षेत्र है यानी एक खान का नाम है। पन्ना एक क्या खान का नाम है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। कौन सा कहलाता है? मिस्र कहलाता है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? यस राइट आंसर गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? राइट आंसर जी तबला। क्या है? तबला। नेक्स्ट अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों अमेरिका की खोज 1492। देखिए इसका राइट आंसर कोलंबस। ये ध्यान रखना, बहुत बार ये पूरा का नाम नहीं पूछते, कोलंबस के बारे में बहुत बार पूछा गया, तो कोलंबस आपका राइट आंसर है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1896 कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर ये गाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों एस्टर्डम आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। तो दोस्तों ये हमारा कोर्स का पहला वीडियो है, कोर्स का पहला वीडियो। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए हमारा एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों नाम मात्र फीस के अंदर बिल्कुल आपको हम एग्ज़ाम तक सपोर्ट करेंगे, आपका एग्ज़ाम से। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, 50 मॉडल पेपर टेस्ट आपको देंगे। अब दोस्तों 50 मॉडल पेपर टेस्ट आपके लिए हमारी टीम तैयार करेगी, और इसके अंदर वीडियो भी हम शुरू करें, क्या है वीडियो कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो पूरा कोर्स हम आपको करवा रहे हैं, पूरा संपूर्ण कोर्स करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। धन्यवाद।